Hello student, I hope you are fine. Now today we will discuss that how to construct the different angles with the ruler and compass. So, first question है, construct the following angles with the help of compass. तो आपको मैंने बताया भी था, हम वही एंगल कंपास से कंस्ट्रक्ट करवाते हैं जो 15 का मल्टीपल हो, लाइक 30 हो गया, 15 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 120 डिग्री हो गया, ये सब एंगल्स हम कंपास और रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो पहला एंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो 60 डिग्री है. तो चलिए हम बताते हैं कि 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कैसे होता है. तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम कंपास पे एक आर्क लेते हैं नॉर्मल साइज का, जिसकी रेडियस क्या हो, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद अगर आपको एंगल इस साइड बनाना है तो यहाँ से कट करेंगे आर्क को, अगर इस साइड बनाना है तो यहाँ से कट करेंगे. हम इस साइड बता रहे हैं आपको, तो देखिए यहां पे हम एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, ये हो गया आर्क. अब हमें 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट होता है तो देखिए यहां 0 डिग्री है, ये इसी से सेम रेडियस का, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, उसको हम क्या करेंगे यहां से कट करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया 60 डिग्री का आर्क. तो हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे. ये हो गया ए ओ बी और ये हो गया 60 डिग्री. समझ में आ रहा है, एक आर्क कट करना है हमें और उस रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है. उसके बाद 0 डिग्री से वही सेम रेडियस आर्क यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है. तो ये 60 डिग्री हो गया. नेक्स्ट है हमारा 30 डिग्री. तो 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, फिर हम 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर देते हैं. जब 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल वहाँ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए हम अगेन 60 डिग्री पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल साइज का रेडियस लेंगे, यहाँ से कट करेंगे क्योंकि हम इस साइड एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से आर्क कट कर देंगे. तो देखिए 60 डिग्री है, हमें आर्क पे पोजीशन पता है 60 डिग्री की, तो हमें लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो देखिए ये 60 डिग्री का आर्क है, ये 0 डिग्री का आर्क है. तो जब हमें एंगल का बाइसेक्ट करना हो, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना हो, तो हम एक 0 डिग्री से आर्क कट करते हैं, एक उस एंगल से आर्क कट करते हैं. तो देखिए 0 डिग्री से हम एक आर्क कट किए और एक आर्क हम 60 डिग्री से कंस्ट्रक्ट कट करेंगे, ठीक है. तो चलिए हम कट कर देते हैं, हो गया ये. अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. तो ए ओ बी, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ, ठीक है, 30 डिग्री. उसके बाद है 90 डिग्री, ठीक है. 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 60 डिग्री और 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आता है, ठीक है. तो देखिए 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री अपॉन 2, तो देखिए दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आया, अपॉन 2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ रहा है. मतलब 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है. चलिए हम इसको रफ कर देते हैं फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है. अब हम एक आर्क यहां से पूरा कट कर लेते हैं, लत हो गया यहाँ थोड़ा सा, ठीक है. कट कर लिया मार्क. अब हम
60 डिग्री कट करेंगे, ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री के आर्क से सेम रेडियस अगर हम फिर कट करेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आता है, तो एक 60 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे और एक आर्क 120 डिग्री से कट करेंगे। ये देखिए कट हो गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं हम ए ओ बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारा 45 डिग्री, तो अगेन देखिए 45 डिग्री 90 डिग्री का हाफ होता है, जैसे 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट किए थे, वैसे ही 90 डिग्री का हाफ हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके उसको बाइसेक करवा देंगे। चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले 90 डिग्री। पहले 60 डिग्री एक आर कट कर दिए, अब ये हो जाएगा 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें 60 डिग्री की पोजीशन पता थी आर्क पे, लेकिन यहाँ पे हमें 90 डिग्री की पोजीशन पता नहीं है आर्क पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि 90 डिग्री की पोजीशन क्या है आर्क पे। तो देखिए हमें पता चल गई यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम बाइसेक करेंगे, तो देखिए ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये नहीं है, यही गलती करते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ से कट कर देते, यहाँ से कट होगा, ठीक है। तो हम एक 0 डिग्री से कट करेंगे, थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं अब रेडियस, तो एक यहाँ से कट किए और एक आर्क हम सेम रेडियस का यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें 45 डिग्री मिल गया है, 90 डिग्री का हाफ, तो हो गया ये ए ओ बी 45 डिग्री। समझ में आ रहा है 45 डिग्री हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें। और एक तरीका ये भी है 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने का, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में भी 45 आता है, तो आप 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके फिर 30 डिग्री से एक आर्क कट करके 60 डिग्री से एक आर्क कट करके भी 45 बना सकते हैं, लेकिन हमें इजी ये लगता है तो मैंने आपको ये वाला बताया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो 75 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। देखिए दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 150 अपॉन 2, तो देखिए 75 डिग्री आ रहा है। मीन्स हमें एक 60 डिग्री का आर्क कट करना है और एक 90 डिग्री का आर्क बनाना है, फिर दोनों के बीच में हमें 75 डिग्री मिलेगा। चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिए हम, ठीक है। अब हम पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, 60 डिग्री हो गया, हमें 60 डिग्री मिल गया। अब हमें 90 डिग्री बनाना है, तो आपको पता है 90 डिग्री के लिए हमें 120 बनाना पड़ेगा। अब एक 60 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे और एक आर्क हम 120 से कट करेंगे, तो 90 डिग्री के लिए हमें डॉटेड लाइन बनानी ही पड़ेगी, तभी तो पोजीशन पता चलेगी आर्क पे। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो एक आर्क 60 डिग्री से कट करेंगे, एक 90 डिग्री से कट करेंगे, तो एक आर्क 60 डिग्री से कट कर दिए, एक आर्क 90 डिग्री से कट कर दिए, तो देखिए हमें ये 75 डिग्री मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया ए ओ बी 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 120 डिग्री, ये तो बहुत बार बना चुके हैं हम, चलिए हम बता देते हैं आपको, लाइन बना दी है। अब ये इजी हम इस साइड बता देते हैं आपको, तो एक आर्क से हम ये एक आर्क कट किए पूरा, ये हो गया, इससे कट करेंगे इस साइड से, यहाँ से नहीं कट होगा, तो ये हो गया 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है 120 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हो गया ए ओ
बी 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 105 डिग्री। तो देखिए 75 डिग्री और 105 डिग्री में कनेक्शन है। जैसे 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बना था 75, वैसे ही 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 75 बनेगा। ठीक है, तो हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। पता ही है 60 डिग्री के लिए हमें एक आर्क बनाना ही पड़ेगा। तो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री से एक आर्क कट, एक आर्क कट हो गया 120 से, ये हमें 90 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री की पोजीशन है, ये 120 डिग्री की पोजीशन है। तो ये एक 90 डिग्री से आर्क कट होगा। तो चलिए हम कट करते हैं, एक 90 डिग्री से कट करेंगे, 120 डिग्री से कट करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ए ओ बी, ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 150 डिग्री आता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पहले हम 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 120, फिर 180। तो ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री से कट करें 120, 120 से कट कर दिए 180। ठीक है, तो ये 120 डिग्री की पोजीशन है, ये 180 डिग्री की पोजीशन है। तो एक आर्क अगर हम 120 डिग्री से कट करें, एक आर्क अगर हम 180 डिग्री से कट करें, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 150 डिग्री। ज्वाइन कर देते हैं हम इसको। ये हो जाएगा 150 डिग्री, ए ओ बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम लास्ट एंगल पे आते हैं अपने, दैट इज 135 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री हम कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे, 90 डिग्री का हाफ करके। ठीक है, वैसे 135 डिग्री हम कैसे करते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री और 0 डिग्री इधर रहता है, इधर बना देते थे हम 45। अब ये इस साइड बनेगा 190 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और 180 डिग्री दोनों बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री तो 60 डिग्री है, 120 डिग्री के बीच में बनेगा, ये 60 120 180। ठीक है, अब 90 तो 60 से एक आर्क कट, एक आर्क 120 से कट। ठीक है, अब डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं आर्क पे, ताकि पोजीशन पता चल जाए हमें। तो ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ठीक है, एक आर्क हम अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, 90 डिग्री से कट करेंगे, एक आर्क हम 180 से कट करेंगे। ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो जाएगा 135 डिग्री, ए ओ बी। ठीक है, इस साइड बनाए थे, यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके 45 बना था, इधर 135 डिग्री। ठीक है, आप एक तरीके से और 135 डिग्री बना सकते हैं, 120 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में भी 135 बनता है, वैसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो आपका क्लास वर्क का आज आपका क्लास वर्क यही है, आपको सारे एंगल जितने मैंने बताए हैं वो कंस्ट्रक्ट करना है कॉपी में, और होमवर्क नहीं है, आपको यही करना है कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से करिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।